नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सूजी और बेसन से बने नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप इस तरीके से नाश्ते को बना के ज़रूर देखिएगा। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते और आज के लाइक का गुड लगते 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू को कद्दूकस करके, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 कप सूजी, साथ ही हम डालेंगे 1/2 कप बेसन, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक डालेंगे स्वादानुसार, 1 चम्मच गरम मसाला, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा हथेली में रख के क्रश करते हुए डाल देंगे। एक चम्मच कसूरी मेथी हल्का तवे में रोस्ट करके हम क्रश करते हुए डाल देंगे। इससे नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 डालेंगे हम हरी मिर्च बारीक चॉप करके, तीखा आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 चम्मच हम डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पे चाट मसाले या 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हो। 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1 छोटे साइज के प्याज को बारीक चॉप करके। एक बार हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे पानी। तो पानी हम यहाँ पे करीब 1.5 कप डालेंगे। एक बारी में पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। पूरा पानी हम डाल देंगे तो टोटल हमने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला है। बस अच्छे से एक बार मिक्स करके चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अच्छे से मिक्स कर लिया तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। पैन में हम ले लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। 1 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच हम डालेंगे हींग और अच्छे से सभी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। जैसे जीरा और सरसों हमारा चटक जाए हम डाल देंगे जो हमने घोल तैयार करके रखे थे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे और बिल्कुल गाढ़ा हो जाने तक हम लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए एक स्पैचुला से हम इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से हमारा टाइट ना हो जाए। दो मिनट हो गया, 2 मिनट और हम इसे इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारा जो डो है अच्छे से टाइट हो जाएगा। 3 से 4 मिनट हो गया और हमारा जो डो है अच्छे से टाइट हो गया है। आप देख सकते हो पैन छोड़ने लग गया है। निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं पहले। अब हम एक थाली में लगा लेंगे थोड़ा सा तेल। अच्छे से लगाना है आपको और जो हमने डो तैयार किए थे वो डाल देंगे। अच्छे से हम थाली में स्पैचुला से फैलाएंगे और 10 से 15 मिनट हम अच्छे से सेट होने के लिए रखेंगे। आप चाहे तो फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा तो जल्दी हमारा ये सेट हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। अब हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो गए, अच्छे से हमारा नाश्ता जो है सेट हो चुका है। अब हम अपने मनपसंद शेप में काट के तैयार कर लेंगे। साइज छोटे बड़े डिजाइन जैसे मर्जी आप कर सकते हो यहाँ पे।
पहले हम लंबाई में काट लेंगे, फिर हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने काट के तैयार कर लिया है, और थिकनेस देख सकते हो आप कैसा है। तो इसी तरीके से बाकी भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम पैन में ले लेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा मीडियम गर्म हो जाए, हम एक एक करके नाश्ता इसमें डालते जाएंगे। थोड़ा सा सावधानी के साथ डालिएगा, तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना मैंने डाल दिया है। अब हम एक तरफ एक डेढ़ मिनट फ्राई करेंगे, फिर हम साइड चेंज कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कुछ देर बाद हम पलट लेंगे, और इस नाश्ते को अगर आप घर पे ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। दूसरी ओर भी हम फ्राई करेंगे एक से डेढ़ मिनट के लिए। चार से पाँच मिनट लगे हमें नाश्ते को फ्राई करने में, और आप देख सकते हो दोनों ओर से नाश्ते का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम बाकी नाश्ता भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में आपको पलट पलट के फ्राई करना है जब तक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। देखिए, और ये नाश्ता देख के जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए बहुत ही ज़्यादा आपको खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो बाकी नाश्ता भी इसी तरीके से हमें फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आज के ये टेस्टी नाश्ते की रेसिपी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, और खाने के बाद अच्छा लगे रेसिपी तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।